उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। भारी बारिश के चलते नाले गदेरे उफान पर आने लगे हैं। बीते सोमवार को जब जिले में तबाही वाली बारिश हुई तो देवखड़ी नाला उफान पर आ गया। नाले के उफान पर आने से उसकी सुरक्षा दीवार ही ढह गई, जिसके चलते नाले का रुख आवासीय कॉलोनी की तरफ हो गया। देखते ही देखते कृष्णा विहार समेत तीन कॉलोनियों के 300 से अधिक घर जलमग्न हो गए। सड़कें डूब गईं, सड़क पर खड़े वाहन बहने लगे। मलबे में सेंट थेरेसा स्कूल की दो बस समेत कई वाहन दब गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह घरों में पानी घुस गया है। बसें मलबे में दब चुकी हैं। हालांकि गनीमत रही कि इस त्रासदी में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। नाले के पास ही खड़ी दो स्कूल बसें मलबे में धंस गई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दो तीन गाड़ियां यहां से बहती हुई नजर आई। चारों तरफ मलबा और बोल्डर नजर आए। डेढ़ घंटे में 160 mm हुई बारिश ने लोगों की नींद उड़ा दी। नुकसान का जायजा लेने नैनीताल सांसद अजय भट्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की। लोग आक्रोशित नजर आए। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक की लागत से देवखड़ी नाले का ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिलहाल कुछ प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। देखिए, स्थिति तो बहुत खराब है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लोगों ने घर खाली कर दिए, लोग भाग गए, जान बचाई, कोई तिमंजली में आ गया। अब इतनी बड़ी गाड़ी जब डूब गई मलबे में, आप देख रहे हैं सामने गाड़ियां डूब गई, एक गाड़ी नहीं दो तीन गाड़ियां डूबी हैं। अब इसके लिए परमानेंट क्योर करना बहुत आवश्यक है। पूरे नाले की जो ऊपर का नाला है उसकी डिसिल्टिंग करवाना और यहाँ से प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपदा की तरफ से स्टेट को, स्टेट से केंद्र को, करीब करीब 25 करोड़ का खर्चा इसमें भी है। जैसे उधर के नाले में 20-25 करोड़ रुपए का प्रपोजल गया था, वो लगभग स्वीकृत जैसा ही हो गया है रकसिया का, वैसे ही यहाँ का भी हम लोग प्रपोजल भेज रहे हैं। उधर प्रभावित लोगों ने देवखड़ी नाले के स्थायी समाधान की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों से देवखड़ी नाले का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन खाना पूर्ति कर अपना पल्ला झाड़ देता है। उनकी हर रात खौफ के साए में कट रही है। बारिश का मौसम होते ही उनकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। प्रशासन को नाले की सुरक्षा दीवार का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। मामला ये है, देखिए, एक तो क्या है, यहाँ पोकलैंड इससे पहले एक सफाई के लाई थी। फॉरेस्ट वालों ने हमसे परमिशन मांगी कि आप अपनी ज़मीन से रास्ता दे दीजिए। हमने वो रास्ता दे दिया। रास्ता देने के बाद उन्होंने सफाई करी और उसके बाद उस रास्ते को उन्होंने बंद नहीं किया। सबसे पहला फेलियर तो ये था। दूसरा क्या है कि यहाँ 50 बार शासन प्रशासन की टीम आई है, सामने मौके में दिखाया है, आप फोटो भी खींच लीजिए। लोगों ने गूल में कब्जा कर रखा है। अब जब गूल में कब्जा कर रखा है, निकास है नहीं। निकास नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा, आप बताइए ना। उस निकास के चक्कर से ये पानी हमारी कॉलोनी में घुसता है और सबको पता है, प्रशासन को पता है कि अवैध कब्जा है। बारिश हुई है 7:30 से और 8:30 बजे एक घंटे में इसने सारा अपना रूप दिखा दिया है हमको। और 3 साल से ये परेशानी हो रही है, 3 बार हो गया है, 3 साल से 3 बार हो गया है, ये तीसरी बार इसने अपना पूरा वो दिखा दिया। फिर भी जो है प्रशासन थोड़ा सा JCB लाता है और करके चला जाता है और हमें इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ। हमारा अभी अगर किसी कोई स्कूटी से जाए, कोई स्लिप हो जाए, क्या उसका जान मान का हानि कौन भरपाई करेगा। तो ये मैं ये चाह मेरी ये मांग है, सफाई तो हो जाएगी, ये आप रिटेलिंग वॉल करिए इसकी, इसमें जो है इसको पक्का करिए। वहीं आज DM नैनीताल वंदना सिंह भी पीड़ितों का हालचाल जानने मौके पर पहुंची। DM ने कहा कि 100 से अधिक प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि वितरित की गई है, साथ ही सफाई का काम जारी है। जो भी राहत हम इस वक्त में दे सकते हैं लोगों को, वो देने का प्रयास किया जा रहा है। ये नाले के ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोगों ने इसका जहाँ कैचमेंट है वहीं से इसको देखा। 3 नाले आते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तीनों एक जगह पर मिलते हैं। उसमें काफ़ी ऊपर जब पहाड़ों में बरसात होती है या बादल फटता है या ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है,
तो पानी काफ़ी बड़ी मात्रा में बोल्डर्स और मलबे के साथ आता है। ये नाला काफ़ी पुराना है और समय समय पर छोटे छोटे ट्रीटमेंट के काम इसमें होते रहते हैं। अभी बरसात से पहले भी कुछ चैनलाइजेशन और कुछ एरिया में दीवारें वगैरह इसमें बनाई गई थी, उन एरियाज़ में अभी इस बार सुरक्षित रहा है। जिन जो छूटे हुए एरियाज़ है उसमें कुछ डैमेजेस हुए हैं, तो उसका दीवार बनाने का काम भी वन विभाग ने शुरू कर दिया है। उत्तराखंड राज्य कब इस तरह की आपदा से निजात पाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से देवीय आपदा उत्तराखंड में कहर बरपा रही है उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि उत्तराखंड के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।